mais um tão feio que é desse lado. Essa câmera aqui, olha. Está querendo lá. Qual que é classe, né? लोगों को बताए हुए थे डिग्री निकालना बताए हुए थे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी बता दिए थे ठीक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी बताए थे आज हम लोग देखेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है आज हम लोग देखने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब मेरा यह होता है कि वेरिएबल जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का वैल्यू ठीक है कैसा वैल्यू एक ऐसा वैल्यू जिसमें होल पॉलिनोमियल जो हो जाए वह जीरो हो जाए जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो कि लेट पी ऑफ एक्स जो है इज अ पॉलिनोमियल P of x क्या है एक पॉलिनोमियल है ठीक है एंड सच दैट ऐसा कि x इक्वल्स टू a अगर x इक्वल्स टू a हम लोग रखते हैं एंड और क्या हो जाए एंड p of a इक्वल्स टू अगर जीरो हो जाए x के बदले a रखते हैं और p of a आपका जीरो हो जाता है तो देन A is called, A जो कहलाएगा क्या कहलाएगा जीरो ऑफ P ऑफ X तो A क्या कहलाएगा जीरो ऑफ P ऑफ X कहलाएगा समझ में आ गया अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मोनोमियल के लिए ठीक है उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे कि कैसे क्या क्या आपका होता है जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अगर पी ऑफ एक्स आपका ए एक्स प्लस बी हो जब देखिए पी ऑफ एक्स जो है ए एक्स प्लस बी हो इस फॉर्म में अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो और जीरो अगर हम लोग को निकालना है टू फाइंड जीरो तो फर्स्ट क्या करो कि p ऑफ x जो है उसको जीरो कर देंगे ठीक है p ऑफ x क्या कर देंगे जीरो कर देंगे जिससे इंप्लाइज करेगा a x प्लस b जो होगा वह आपका जीरो हो जाएगा दैट इंप्लाइज a x इक्वल्स टू माइनस b हो जाएगा यानी x इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस b अपॉन a जिससे इंप्लाइज किया माइनस b अपॉन a इज अ जीरो जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स समझ में आ गया यह लीनियर के लिए था एक वेरिएबल ठीक है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं जैसे पी ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइंड किसके लिए जीरो फाइंड करने के लिए p ऑफ x क्या कहो जाएगा जीरो यानी p ऑफ x इक्वल टू आपका फिर से जीरो यानी a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू जीरो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें आगे में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ोगे कि x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए या x का वैल्यू यह आता है और यह वैल्यू अगर हम लोग यहां पे डालेंगे x का वैल्यू क्या क्या या इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन आपका टू ए और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन आपका टू ए या तो यह वैल्यू x का अगर इसमें हम लोग डालते हैं किसमें x के बदले या तो यह डाल दो पूरे में जहां जहां x है या x के बदले यह डालेंगे तो p ऑफ x जो हो जाएगा वह क्या होगा जीरो हो जाएगा p ऑफ x कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा उस हिसाब से यह और यह वैल्यू क्या होगा जीरो होगा किसका जीरो होगा p ऑफ x का तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
b square minus 4ac upon 2a is r, काट दो को है, एक प्लस एक माइनस,